पिछली बार 105 मिलियन टन गेहूं उत्पादन के साथ रिकॉर्ड कायम करने वाले करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान ने वर्ष 2020 व 21 के लिए 108 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है। संस्थान के निर्देशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनके संस्थान ने गेहूं की ऐसी अनेक किस्में विकसित कर किसानों तक पहुँचाई हैं जो न केवल अधिक पैदावार देने में सक्षम है बल्कि बीमारी रोधी भी हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उससे बेहतर उत्पादन लेने में हम सफल होंगे। किसानों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उन्होंने कहा कि बिजाई का समय शुरू हो चुका है, किसानों को बीज का चयन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान वैज्ञानिकों द्वारा विकसित DBW 187, 222 और 3086 जैसी किस्मों का ही प्रयोग करें। इसके अलावा वैज्ञानिक विधि से ही खेत की जुताई व खाद का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ज्यादा पैदावार और लाभ होगा। ये समय बुआई के बिल्कुल उपयुक्त है, देर होने से नुकसान की संभावना है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्थान द्वारा विकसित दो नई किस्मों DBW 303 और DBW 48 को रिलीज किया है जिन्हें जल्द किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इन किस्मों में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा है और इनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन 80 क्विंटल है जो कृषि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। देखिए, अब 25 अक्टूबर का समय आ गया है और कई जगह पे किसान जहाँ धान की फसल काट चुके हैं वहाँ हैप्पी सीडर से बुआई कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस समय जो विशेष सावधानी बरतनी है वो ये है कि जो किस्में उपयुक्त हैं जल्दी बिजाई के लिए, जैसे हमारी DBW 187 है, DBW 222 है, 3086 है, इन्हीं किस्मों का प्रयोग करें और जो भी वैज्ञानिक विधि के अनुसार इसकी कल्टीवेशन करनी है जैसे बीज का शोधन, खाद की मात्रा और जो भी इसमें ज़रूरी होगा वो किसान इसमें इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको अधिक उपज प्राप्त होगी। तो कितने समय, कब से स्टार्ट करें और कब तक ये चल सकती है? अब तो बिजाई का समय स्टार्ट हो गया है मेरे ख्याल से, अब चलता रहेगा। और लेकिन किसानों से यही आग्रह है कि जितना जल्द से जल्द हो सके अपनी किस बुआई को संपन्न कराएं, क्योंकि जितना देर होता है उतना हमको फसल के उपज में नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आप 15 दिसंबर के आसपास बिजाई करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए किस्मों का चुनाव अलग है, दिसंबर के माह में अलग है, नवंबर के माह में अलग है। तो एक जो किसान भाइयों से आग्रह है कि जो हमारा रिकमेंडेशन है किस्मों के बारे में उसको गौर से देखें और उसी के हिसाब से किस्मों का चुनाव करें जब आपको बोना हो। तो सर, जैसे नई वैरायटियां रिलीज की जा रही हैं, काफ़ी रिलीज हुई हैं, तो उसमें क्या टारगेट इस बार रखा गया है, कितना खाद्यान्न का उत्पादन गेहूं का? जो भारत सरकार ने अभी पिछले दिनों में गेहूं का जो टारगेट है वर्ष 2021 के लिए वो निर्धारित किया, वो 108 मिलियन टन का है और निश्चित ही हमको उम्मीद है कि इससे बेहतर हम उत्पादन लेने में सफल रहेंगे। तो सर, किस्में कौन कौन सी हैं जो नई अभी आई हैं और किसानों के लिए? पिछले साल देखिए हमने दो किस्मों का किसानों को दिया था, DBW 187 और DBW 222। उसी कड़ी में एक नई किस्म इस बार किसानों को समय से बिजाई के लिए दे रहे हैं, DBW 303, जो बहुत जल्द किसानों के पास उपलब्ध हो सकेगी। और आपको याद होगा कि विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर अक्टूबर 16 को प्रधानमंत्री ने DBW 303 और DDW 48 जो किस्म है वो बायो जैव संवर्धित है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अलग अधिक है और भी जो तत्व हैं वो ज़्यादा हैं, तो उसको राष्ट्र को समर्पित किया था। तो ये किस्में दोनों हैं जो खास तौर से किसानों को हम इस वर्ष नई लेके आए हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.